There's someone who believes that you can cure anything just if you can think about it. He makes you believe that you can crack any exam around the corner if you have the belief, if you have the courage, and you are distraction free. He takes us out from the darkest hour, and just in case, God forbid, if you fail at any point in your life, He has this miracle power of lifting you up, lifting your morale, and boosting your emotional stability every single time. Yes, you guessed this right. I'm talking about Mr. Avneesh Kumar Saxena. I would like to call upon stage Honorable Chief Mentor of KCS Educate and Founder and Chairperson of Help Student India. Sir, please. Good morning. English में आवाज नहीं आया। Good morning, sir. और शायद भूल गए पिछली बार हम लोगों ने जोश बनाने के लिए कुछ शुरुआती दौर में किया था। क्या आप तैयार हैं? Yes, sir. Okay, you are the winner. Yes, sir. जो नए लोग हैं उनकी आवाज नहीं आई क्योंकि वो पहली बार ज्वाइन किए हैं कुछ 12th में भी आए हैं कुछ 11th से हमने चेंज करा कुछ को हमने छोड़ा कुछ ने हमें छोड़ा क्योंकि ये जरूरी भी था एक दूसरे को छोड़ना अगर हमारी आपकी ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही है कहीं ना कहीं मैं आपको मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो ठीक भी आइडिया था तो कुछ नए लोगों ने भी ज्वाइन किया है तो नए लोगों के लिए सूचना है कि हम लोग क्लास शुरू होने से पहले भी ऐसे ही करते हैं जिससे कि क्लास जब शुरू हो तो एक जोश आ जाए हम रिफ्रेश फील करें तो इसीलिए फिर से यस सर बुलाएं यू आर द विनर यस सर यू आर द विनर यस सर सारा कुछ है दिमाग जितना इसको कंट्रोल किया उतना ही जीवन में आनंद है और पिछली बार का लेक्चर कई लोगों ने अटेंड किया था मैं बताया था बड़ा मुश्किल से मैं लेक्चर देने आया हूँ और इस बार भी अगर मैं लेक्चर देने आया हूँ तो मैं आपको एकदम सच बताता हूँ कि मैं अपने को मोटिवेट करने के लिए आया हूँ क्योंकि एक साल फिर से चलना है आपके साथ और हर उस लेक्चर पे हर क्षण जब आपसे मुलाकात हो हर क्षण जब आपसे बात हो तो मैं आपको जागृत कर पाऊं और वो चीजें दे पाऊं जिससे आप जीवन में सफल हो सके और सफलता का फंडामेंटल मेरा बिल्कुल क्लियर है सफलता का मतलब है आप कितने प्रतिदिन खुश हैं एवरीडे हाउ मच यू आर हैप्पी जब आप इस लेक्चर हॉल में बैठे हुए हैं इस लेक्चर को सुनते सुनते आप कितने खुश हो रहे हैं आप जबरदस्ती नहीं बैठे हुए हैं आपका मोबाइल स्विच ऑफ है बज नहीं रहा है आप पूरी तरह फोकस्ड हो गए जिस मोमेंट में हैं जहां हैं जैसे हैं जो कर रहे हैं उसी में आप हो गए और सिर्फ उसी का चिंतन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सबसे खुश और सबसे सफल इंसान हैं तो ये जो लेक्चर जब शुरू होता है यानी हम लोग इसको त्योहार बोलते हैं फेस्टिवल फॉर केसीएस दो बार ही फेस्टिवल होता है साल में एक बार जब हम शुरुआत करते हैं और एक बार जब आपका रिजल्ट आता है तो दो सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है यही आज का सेलिब्रेशन क्यों क्योंकि यहां से जो हम पूरे साल भर करेंगे वो सारा कुछ हमारे सामने एक सफलता के रूप में दिखाई देता हुआ नजर आएगा तो अगर हम प्रतिदिन आज प्रतिदिन अगर सफलता की तरफ चलते चल रहे हैं और सफलता का पैमाना मैंने बताया जो आज अभी इसी लेक्चर से होगा यानी आप इस लेक्चर में अभी बैठे बैठे कितने खुश हैं कितने आनंदित हैं उससे तय होगा कि आप पूरे साल भर क्या करने वाले हैं उससे तय होगा कि 2024 में जब रिजल्ट आएगा तो आपके साथ क्या होने वाला है पहले मैं बताता था लोगों को कि किसी को सक्सेस चाहिए तो 100 का स्केल लो और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो एक 90% एक 7% और एक 3% ये पुरानी थ्योरी थी मेरी और तब मैं ये बताता था कि 90% किसकी वजह से आपकी सक्सेस है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से 7% किसका कंट्रीब्यूशन है आपकी सक्सेस में तो मैं बताता था पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन 3% किसका कंट्रीब्यूशन है आपकी सक्सेस में टीचर्स का यानी जबकि आप सबसे ज्यादा फोटो आपके साथ जब आप सफल हो जाते हैं तो मेरे साथ लगी हुई दिखाई देती है यानी हमारे और टीचर्स फैकल्टीज के साथ लगी हुई दिखाई देती है लेकिन सबसे कम कंट्रीब्यूशन है हमारा आपकी सक्सेस में ये स्केल मैंने जमाने पहले बनाई थी तब जब मैं चिंतन करता था तो ये एकदम जीवन का सत्य है कि 90% हार्ड वर्क फ्रॉम योर साइड टू गेट द सक्सेस
7% सपोर्ट, पेरेंट्स फीस देंगे, पेरेंट्स सही जगह पढ़ाएंगे, पेरेंट्स दिन भर बढ़िया खाना खिलाएंगे, घर में मोटिवेट करेंगे, आपको बार बार टोकेंगे, समझाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट है 7%। और 3% टीचर की तरफ से कैसे है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसा सब्जी में नमक होता है। अगर सब्जी में नमक सही मात्रा में हो तो सब्जी खाने में आनंद आएगा, और सब्जी में नमक अगर अधिकतम मात्रा में हो तो आप सब्जी नहीं खा पाएंगे। बस बिल्कुल इसीलिए इस स्केल को मैंने डिवाइस किया था, थिंकिंग नॉट डिवाइस, कुछ ज्यादा हो जाएगा ऐसा लगेगा मैं बहुत बड़ा कुछ इंसान हूं, नहीं, इसको सोचा था, एक स्केल को सोचा था कि 90% हार्ड वर्क फ्रॉम स्टूडेंट साइड, 7% सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट साइड एंड 3% सपोर्ट फ्रॉम एनी टीचर साइड। और ये एकदम सत्य है, जो कुछ है वो आप स्वयं हैं। लेकिन आज इस स्केल में मैंने एक एडिशनल स्केल भी ऐड कर ली। आज की मुश्किल ये हो गई है कि आप अपने बंदर को नहीं संभाल पा रहे हैं। बंदर, आप शुरू में बंदर थे, आपके पास दिमाग था तब आप बड़े बंदर थे, और फिर आप धीरे 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 इंसान बने, और इंसान बनते बनते दोबारा से बंदर की तरफ जा रहे हैं। और वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप शांत बैठ ही नहीं पाते। आप दिन भर में जब तक जागृत हैं अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे, तो वो 90% हार्डवर्क जो स्टूडेंट साइड है वो आएगा कैसे। तो अब मैंने एक और इस स्केल के साथ प्लस में एक और स्केल बनाई, और उस स्केल में 50-50% पेरेंट्स और टीचर को दिया इस बार, यानी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। यानी अब दो स्केल से काम चलेगा, एक वो जो पुरानी वाली स्केल थी जिसमें 90% हार्ड वर्क फ्रॉम स्टूडेंट साइड, 7% सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट साइड, 3% सपोर्ट फ्रॉम टीचर साइड, यानी गाइडेंस जो टीचर दे रहा है। लेकिन अब एक और स्केल की जरूरत है जिसमें हमारे और पेरेंट्स का 50-50% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। किस स्केल की जरूरत है और क्यों जरूरत है, क्योंकि जो आपका 90% है उसको निकालने के लिए आज हमें जरूरत आन पड़ी है कि हम कॉन्स्टेंटली आपसे बात करें, कॉन्टिन्यूअसली आपसे बात करें, बिना रुके लगातार आपसे डिस्कशन हमारा चलता रहे। यानी लास्ट टाइम भी हमने आपसे बात किया, कॉन्स्टेंटली मतलब कॉन्टिन्यूअसली मैं कहना चाह रहा था, अगर किसी के दिमाग में गलत वर्ड चला गया हो, फ्लो में निकल गया, कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूअसली हम लोग बातचीत करें। क्या हो गया है कि जैसा मैंने बताया, कई बार क्लास में भी आपको बताया कि हम पहले एक दिन समझा देते थे तो साल भर तक चलता था। यानी जो ये लेक्चर था, इस लेक्चर को सुनने के बाद स्टूडेंट साल भर तक मोटिवेटेड रहता था, एग्जाम देने तक मोटिवेटेड रहता था। धीरे धीरे एक समय आया कि वो स्टूडेंट साल भर की बजाय महीने भर मोटिवेटेड रहने लगा। धीरे धीरे एक समय आया कि वो स्टूडेंट 1 वीक के लिए मोटिवेटेड रहने लगा। और आज तो समय ये आ गया है कि हमने आज के लेक्चर में आपको मोटिवेट किया, आज के लेक्चर में आपको जागृत किया, आज के लेक्चर में आपको समझाया, पता लगा अगले लेक्चर तक आपका वो मोटिवेशन कायम है। ये सारा क्यों हो रहा है, ये सारा सच में हमारी जो वेव्स थी उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है, उनसे इन्फरेंस करा दिया है। और कॉन्टिन्यूअसली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो हमारे दिमाग को शांत नहीं होने दे रहे। और कहीं ना कहीं लास्ट टाइम भी जब हमने आपसे चर्चा की थी तो यही बात की थी कि हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को क्या करना पड़ेगा, जीरो। अभी कुछ दिनों पहले एक पेरेंट से बात हो रही थी और मैं एकदम लाइव चर्चा करता हूँ, मैंने बार बार बोला, हाँ कहानियां जरूर आएंगी, कई बार सुनी हुई कहानियां भी हो सकती हैं, बट मैं अपने तरीके से रखूंगा। और कई बार लोग पूछते हैं कहानियों से क्या फर्क पड़ता है, कहानी चाहे कैसी भी हो अगर आपके दिमाग को हिला रही है तो बहुत ज्यादा, मेडिसिन से भी ज्यादा कहानी का फर्क आपके दिमाग पे पड़ता है। इसीलिए कहानियों की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो वैसे मैं करता भी हूँ कि अपनी मोटिवेशन लेक्चर में कुछ कविताएं जो मैं बनाता हूँ, उसके लिए ऑडियंस मुझे मिलता नहीं है, तो यही वाला ऑडियंस होता है जिसमें मैं अपनी कविताएं यूज कर लेता हूँ। और कहानियां भी कुछ कुछ जो आप जानते हैं वो होंगी या कुछ नई कहानियां होंगी, लेकिन जो चर्चा है वो मेन ये है कि जो लाइव में बातचीत करता हूँ, जो आपसे मैं बातचीत करता हूँ, जो मैं पेरेंट से बातचीत करता हूँ, उसको आपके सामने रखूं।
बहुत सावधानी की जरूरत है. 2023 आपके लिए टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ है. 2023 का एक एक दिन आप कैसे गुजार रहे हैं मायने रखता है. मैं नहीं कह रहा कि 2024 में आप अच्छा नहीं करेंगे या आप मेहनत नहीं करेंगे या 5 में या 6 में मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन 23 यानी 3 में 2023 इज लाइफ फॉर यू. यहाँ का एक एक मिनट आप कैसे गुजार रहे हैं, यहाँ का टाइम, यहाँ आप कैसे चीजों को कर रहे हैं, ये पूरी लाइफ में आपको याद आएगा. यानी मुझसे भी पूछो, किसी से भी पूछो, अपने पेरेंट्स से भी पूछो, तो यही बताएंगे. जो 12th था, अगर वहां हमने सब कुछ अपने तरीके से जैसे सोच रहे थे किया होता तो चीजें शायद बहुत आसान हो जाती. इसलिए माय डियर स्टूडेंट, सावधान. किससे सावधान? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. कोई पेरेंट मुझे बताया कि आपके पास मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, दूसरी जगह फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है, और पता लगा ऑनलाइन भी एक फेमस कोचिंग है, उसका भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया. आप पेरेंट्स से मैं पूछता हूं, आप खुद बताइए क्या ये ऐसे कभी संभव है? नहीं. माइंड वाइज सुपर इंटेलिजेंट है कि वो एक घंटे बैठता है वो जो केसीएस का असाइनमेंट खत्म कर देता है, दूसरे घंटे बैठता है वो बुक जो हमने सजेस्ट की थी उसको खत्म कर देता है. अगर वो इतना इंटेलिजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आप मैथ्स यहाँ पढ़ा रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं पढ़ा रहे, या पीसीएम यहाँ पढ़ा रहे, फिर उसको ऑनलाइन भी ज्वाइन करा दो, 2-4-10 लोगों से ज्वाइन करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट ऐसा हो तो नहीं रहा है. हम एक एग्जाम्पल को देख के हम बाकी सब वही फॉलो करने लगते हैं. स्टूडेंट बैठ के बातचीत करें, फिर मेरे से आके मिल के डिस्कशन करें, जिससे हम कुछ ऐसा कर पाए कि 2023 हमारे लिए गोल्डन ईयर बन जाए. यानी हम सब रिच नहीं है, हम सबके माइंड का लेवल सेम नहीं है, फिर हम कैसे किसी को फॉलो करके कोशिश करते हैं कि जैसे वो कर रहा है वैसे हम करने लगे. हाँ, हम सब एक बात जरूर कर सकते हैं कि हम एक ही टारगेट पे पहुंच जरूर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रास्ते अलग अलग होंगे. कौन डिसाइड करेगा आपका रास्ता? आप डिसाइड नहीं कर सकते. कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग, कुछ टीचर्स, कुछ पेरेंट्स मिलके बैठ के चर्चा करें, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पाथ आपके सक्सेस के लिए आसान रहेगा. इस बार हमने जो 12th में बच्चे पहुंच गए, 11th में हमारे पास पढ़ रहे थे, इस बार हमने कई पेरेंट्स को फोन कर करके भी बुलाया, तब जाके 60% पेरेंट्स ने हमसे मिली. 40% पेरेंट्स आर स्टिल देयर जो मुझसे मिल नहीं रहे, जो बात नहीं कर रहे, जबकि मैंने आपको बताया 7% सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट साइड एंड 3% फ्रॉम टीचर साइड, और 90% जो स्टूडेंट का है उसमें भी हमें पेरेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली 40% पेरेंट्स अभी भी मुझसे आके नहीं मिले, कोई चर्चा नहीं की. सारा कुछ किस बात पे डिपेंड करेगा? कैसे हम आपको जागृत रखें, कैसे जगाए रखें, कैसे हम आपको बार बार बताए रखें कि सब कुछ आपकी वजह से होने वाला है, और वो होने में हमारे और पेरेंट्स की अति आवश्यकता है. मैं इसी चर्चा को आगे आज पूरे इस लेक्चर में बढ़ाने वाला हूं और इसी पे वार्तालाप करने वाला हूं. वो मैं कुछ कहानियां, कुछ बीच बीच में कविताएं लाऊंगा, जिससे थोड़ा आपका मोमेंटम बना रहे, कॉन्टिन्यूटी बना रहे, जो मुझे सुनने का मोमेंटम है, मेरा मोमेंटम तो बना रहेगा. मैं बोलता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अनलिमिटेड बोल सकता हूँ. अभी तो बोलना ही नहीं शुरू किया, अभी तो सिर्फ बोलने के लिए भूमिका बना रहा हूँ कि किस विषय में मुझे बातचीत करनी है. ये कई लोग जानते भी हैं जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं. एक पहले कहानी सुनाते हैं, फिर ये बताते हैं कि सारा कुछ ये लास्ट टाइम आप याद हो तो बात की थी हम लोगों ने, इस सॉफ्टवेयर में काफी सारे वायरस चले गए, और आप जितने जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं इस सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर भी डाल रहे हैं, लेकिन हर सॉफ्टवेयर के साथ उसके अंदर क्या आ रहा है? वायरस. और जब कंप्यूटर में वायरस आता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? एंटीवायरस. सो अगर हम ध्यान से सॉफ्टवेयर डालें, अगर ट्रस्टेड वेबसाइट पे जाएं जहां पे वायरस नहीं होते हैं, और वहां से सॉफ्टवेयर अपलोड करें, सॉफ्टवेयर डालें, या जो बोलते हैं ना ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर खरीद के डालें, तो चांसेस है वायरस कम आएंगे, तो हमारा कंप्यूटर बेहतर चलेगा, और इस कंप्यूटर को बेहतर बनाए रखना बहुत जरूरी है. एक छोटा बिजनेसमैन था, आज की कहानी में स्पोर्ट्स पर्सन भी आएंगे,
बिजनेसमैन भी आएंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी आएगा। एक छोटा बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस धीरे 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 डाउन होने लगा, और धीरे धीरे जब डाउन होने लगा तो बहुत पजल्ड होने लगा, बहुत परेशान होने लगा, चिंतित होने लगा कि कैसे कैसे क्या करेंगे, कैसे जो टीम है उसको संभालेंगे। और चिंतन में की बजाय धीरे धीरे उसने चिंता करना शुरू कर दिया। आप बिजनेसमैन नहीं है लेकिन स्टोरी को आप तक ले जाएंगे, आप ध्यान दीजिए। और वो चिंता करते करते उसके ऊपर काफी लोन आ गया उसके ऊपर, यानी काफी डेट इकट्ठा होने लगा। तो मॉर्निंग वॉक पे जाता था, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया और बड़ा टेंशन में कि क्या करें, ये बिजनेस ने तो मुझे डूबो दिया, सब कुछ डूब गया, अब हम कैसे इसको ठीक करें। वहां मॉर्निंग वॉक कर रहा था, पार्क में आराम से टहल रहा था, तभी एक काफी जब वो सोच में था तभी उसके पास एक व्यक्ति आया, बोला आपको पैसे की जरूरत है। तो उसने ऊपर से नीचे देखा, उसका इसको कैसे पता चला आपको पैसे की जरूरत है। बोला आपको कैसे पता? बोले मुझे सब पता है। बोला आपको पैसे की जरूरत है, आप लोन में परेशान है। बोला हाँ जी ये तो है, तो एक काम करते हैं। उसने जेब से एक चेकबुक निकाला और उस पे 1 करोड़ लिखा और नीचे साइन किया बिरला, टाटा बिरला का नाम सुना ना, टाटा भी फेमस थे बिरला भी फेमस थे, नीचे उसने साइन किया जीडी बिरला और 1 करोड़ का उसको चेक दिया और बोला लो इसको ले जाओ, बिजनेस करो और खुश रहो, जब हो जाए तो वापस कर देना। वो चेक लेके घर पहुंचा, बड़ा खुश कि भाई ये प्रभु ने हमारी सुन ली, हम तो इतना परेशान थे और हमने इतना प्रार्थना की और प्रभु ने हमारी सुन ली। घर पहुंचा बड़ा खुश, एवरीथिंग इज फाइन, अब सब ठीक हो जाएगा, इसको यूज करेंगे। और अगले दिन बैंक में पहुंचा उस चेक को लगाने के लिए, अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। जब अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था तो उसके दिमाग में आया, ओहो ऑलरेडी हमारे ऊपर कर्ज है, अगर हमने इस चेक को लगा दिया तो और कर्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो उसने उस चेक को सोचा, लगाएंगे तो हम तो ऑलरेडी कर्ज में और कर्ज में आ जाएंगे, क्यों ना एक काम करें इस चेक को संभाल के रखें और फिर से जरा सोचे जाके अपने बिजनेस के बारे में। उसने उस चेक को अपनी पॉकेट में रखा और बैंक से वापस आ गया। बैंक से वापस आया, उसने फिर से अपनी टीम के पास गया, फिर से अपनी टीम को जागृत किया, मोटिवेट किया कि चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, कुछ अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन करते हैं, कुछ सेल टेक्निक में परिवर्तन करते हैं और देखें कि बिजनेस कैसे नहीं चलेगा। उसने अपनी पूरी टीम को मोटिवेट किया, जागृत किया, 3 महीने के अंदर बिजनेस दोबारा से पिकअप होना शुरू, धीरे धीरे बिजनेस पिकअप होना शुरू हुआ। 6 महीने के अंदर उसने अपनी लोन चुकाना शुरू कर दिए और बड़ा खुश हो गया। और क्योंकि हर बार उसके दिमाग में एक बात तो चलती थी, 1 करोड़ तो अपने पास पड़े ही है ना भाई, कभी भी यूज कर लेंगे, इसलिए टेंशन क्या है। यानी उसके दिमाग में क्या था, पॉजिटिविटी। क्या पॉजिटिविटी थी, 1 करोड़ रुपए तो पड़ गए हैं, क्या डरने की बात है। 1 करोड़ का वो चेक उसने संभाल के लॉकर में रखा हुआ था कि जब जरूरत पड़ेगी तब इसको निकाल लेंगे। और उसके अंदर क्या आना शुरू हो गई, पॉजिटिविटी। जैसे जैसे पॉजिटिविटी आई, उसने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज को चेंज किया, कंसेप्ट को बदला, मार्केटिंग टेक्निक्स को बदला और धीरे 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 उसका बिजनेस ग्रो होता चला गया। अब उसके पास अपने पास 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ गए। उसने कहा चलो भाई जीडी बिरला साहब को ये चेक चल के वापस कर देते हैं, मिलेंगे कहां, अब एड्रेस तो ढूंढने की बजाय उसी पार्क में टहलने आते हैं तो हम भी सुबह सुबह टहलते हैं चल के और उनको ढूंढते मिल जाएंगे। वो पार्क में गया और इत्तेफाक से उसी दिन वो जीडी बिरला साहब दिख गए। बोला सर ये आपका चेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे दिया। तब तक दौड़ते हुए पीछे से एक नर्स आई, उसने जीडी बिरला साहब को पकड़ा, अरे चलो इधर क्या कर रहे हो। तो वो आदमी बोला जिसको 1 करोड़ का चेक मिला था, अरे बिरला साहब को चेक तो वापस कर लेने दो। बोले कोई बिरला विरला नहीं है, ये पागल है। बोला ये पागल है, इसको चेक बांटने में खुशी मिलती है तो हम लोग थोड़ी छूट दिए हुए, तो इसीलिए हम लोग इसको ये काम करने देते। बोला हाँ जी चेक बांटो। तो ये कोई बिरला विरला नहीं है सर, अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो सॉरी। और वो नर्स उसको पकड़ा और
जो वैन होती है इकट्ठा करके सबको ले जाने वाली जो मरीजों को उसमें अभी के चले कौन क्या सोचो। बात बिजनेसमैन की थी लेकिन लागू हम सब पे होती है, लागू स्टूडेंट पे भी होती है। थोड़ी सी पॉजिटिविटी क्या मिली, सब कुछ बदल गया। थोड़ी सी सिक्योरिटी क्या फील हुई, सब कुछ चेंज हो गया। जानते हैं क्यों, बताता हूं। कविता पे ध्यान दीजिएगा, ये कविता मेरा आज का पूरा लेक्चर है। ओशियन जर्नी सुना होगा, कहीं ना कहीं बच्चों ने भी कभी इंग्लिश या हिंदी की बुक में समुद्र मंथन सुना या नहीं। अरे वो ओशियन की जर्नी की गई, देवता और असुर ने मिलके किया, फिर उसमें से विष निकला और उसमें से क्या निकला, अमृत। ये लेक्चर मेरा आज इसी कविता पे बेस्ड है। सागर सा है मन तेरा, कैसा मन है, सागर। सागर सा है मन तेरा और समुद्र मंथन सा है जीवन तेरा। सागर सा है मन तेरा और समुद्र मंथन सा है जीवन तेरा। असंख्य लहर असंख्य सोच की उठती लहरें इसमें, असंख्य सोच की उठती लहरें इसमें, जो कभी उगलती विष इसमें और जो कभी उगलती अमृत इसमें। यानी आपका दिमाग में क्या है, अनलिमिटेड स्पेस है, सागर की तरह। आप डेली इसको क्या कर रहे हैं, जर्नी, ओशन जर्नी। क्या ढेर सारी सोच उत्पन्न हो रही है, जिसमें से कभी कोई पॉजिटिव सोच है और कभी कोई नेगेटिव। सागर सा है मन तेरा, समुद्र मंथन सा है जीवन तेरा। असंख्य लहरें सोच की उठती इसमें, जो कभी उगलती विष इसमें और कभी उगलती अमृत इसमें। जो थाम कर इन लहरों को, आखिरी लाइंस पे ध्यान दीजिएगा, रोकना है इसको, संभालना है, स्टॉप करना है। जो थाम कर इन लहरों को, गोता लगा गहराइयों में जाओगे। जो थाम कर इन लहरों को, गोता लगा गहराइयों में जाओगे, तो पाकर मोती बुद्धि रूप का, तो पाकर मोती बुद्धि रूप का अमृत पान कर पाओगे, पाओगे। और फिर खुद को सफल बना, ना जाने कितनों को सफल बनाओ। ये गीता का एक उपदेश है जो मैंने आपको अपनी कविता में देने का प्रयास किया। इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि और बुद्धि से परे है आत्मा। आपको ये लगेगा ये क्या गीता के उपदेश चलेंगे, जी वो तो सभी पे वैलिड होते हैं। क्या ऐसा है बच्चों आपके जीवन में, ऐसा है, मैं दिखाता हूं। मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, मैं अपनी प्रॉब्लम खुल के रख देता हूं और जब सत्य आप बात करते हैं तो लोगों को समझ में आता है, मेरे पे भी लागू होता है। गुलाब जामुन रखे हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है और गुलाब जामुन रखे हुए। बुद्धि क्या कहती है, मत खाओ भैया, मत खाओ। मन क्या कहता है, आहा कितने टेस्टी गुलाब जामुन है, मुंह में पानी आ रहा है। मन को रोक रही है बुद्धि, इंद्रिया धीरे धीरे हाथ बढ़ रहा है। मैं बोलता हूं, घर पे बोलता हूं कि ये जो टेबल है ब्रेकफास्ट वाली, इसमें ऐसी चीजों के डब्बे कृपया ना रखें। मैं ऐसे घर पे बोलता हूं, आप खुद फील करो, कई चीजें आप ऐसी करते हो जो मन भी नहीं चाह रहा है, भूख नहीं लग रही है, फिर भी डब्बा रखा हुआ है तो आपने ओपन किया और भरना, पेट भरना शुरू कर दिया और भर डाला पेट। ऐसा होता है आपके साथ, आहा आहा आईआईटी चाहिए, वाह बुद्धि कह रही आईआईटी आईआईटी आईआईटी। अब मन कह रहा है थोड़ा सा देख ले एक वीडियो, क्या प्रॉब्लम है। ओके
किसी तरह रोका, मन को बुद्धि से टाइट किया, किसी तरह अपने को संभाला। वो केसीएस का रूटीन टेस्ट आया था मोबाइल, लाओ रूटीन टेस्ट के लिए मोबाइल। अब तो मोबाइल उठानी पड़ेगा ना भाई, दिन भर मोबाइल को संभाला, मोबाइल को संभाला, और उससे दिन भर संभालने के बाद आखिरी में वो रूटीन टेस्ट देख रहे, उसका आप लोग भेजते ना सोल्यूशन आखिरी में, आपको बताइए रूटीन टेस्ट का सोल्यूशन देख रहे हैं। अब इंद्रियों ने काम करना शुरू कर दिया, मन को भी कैप्चर किया, जितनी देर में देखा एक वीडियो भेजा है हमारे दोस्त ने, और क्लिक मार दिया उठे और देखना शुरू कर दिया वीडियो। ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, आपके साथ नहीं, हम सबके साथ। सच में हम बिल्कुल समुद्र, जो 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 माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज लिखी हुई है ना, वो बिल्कुल जीवन का सत्य है। दिन भर ऐसा हो रहा है, हमारे दिमाग में ढेर सारी सोच उत्पन्न हो रही, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, और हम कंट्रोल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम शांत नहीं बैठ पा रहे। मोबाइल हमें रोक रहा है, बिल्कुल हमें शांत होने नहीं दे रहा। हमारे मन को शांत नहीं करेंगे हम तो ऐसा ही कुछ होगा कि जो नहीं करना चाह रहे वो होगा। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, कैसे भी करके हमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को क्या करना है, सीरो। जहां आपको लगे, जिस मोमेंट में लगे कहीं भी वो चीज बढ़ रही है, वो नेगेटिविटी आ रही है, तुरंत अपने पेरेंट्स को शेयर करना है, तुरंत हमें आके एक्सक्लूसिवली बताना है। कहीं ना कहीं हमारी बातें या हमारी कहानियां आपके जीवन पे इफेक्ट डालेंगी, क्योंकि पहले ही बता दिया 90% हार्ड वर्क, 90% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ योर्स टू गेट द सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन और इन योर लाइफ। बहुत जैसे जैसे जब आप कम उम्र पे होते हैं, यहां पे जितना अपने को आप मॉडिफाई कर लेंगे, जितना अपने को संतुलित कर लेंगे, जितना आप अपना फीलिंग मैनेजमेंट कर लेंगे, उतना ही आगे जाके चीजें आसान होगी आपके लिए। माइंड का काम है, माइंड को कैसे यूज कर रहे हैं इस पे चर्चा आवश्यक है, इसको शांत कैसे करें इस पे हमें ध्यान देना है। इसलिए कई बार लोगों को मैंने कुछ सोने का आइडिया दिया, कई बार लोगों को मैंने जागने का आइडिया दिया। लोग मुझे बोलते भी हैं कि ये मैथ्स पढ़ाते हैं या मोटिवेशन लेक्चर लेते हैं, मैं तो बोलता हूं भैया मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता, मैं मोटिवेशन लेक्चर ही लेता हूं। हां अभी कुछ परिवर्तन आ गया, 2013 का मैं रिजल्ट देख रहा था तो 90% लोग टॉप कॉलेज को ज्वाइन किए थे अपने पास, यानी करीब 78 स्टूडेंट थे और 78 में 72 बेस्ट कॉलेज में गए। बहुत थोड़े से बच्चे लेते थे उस समय हम लोग, 2013 में 72 बच्चे देख रहा था उसमें, 41 तो आईआईटी गए। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है उस बैच में पल्लव गोयल नाम का स्टूडेंट था, शायद नाम भी सुना होगा, मैं कई बार उस नाम को यूज करता रहता हूं। उसको बोला फेसबुक बंद कर दो तो उसने तुरंत फेसबुक पे लिखा, आज से सर ने बोला है क्लोज क्लोज, 2 साल तक फेसबुक का कोई यूज नहीं। उसको बोला मोबाइल का यूज नहीं करना है, उसने मोबाइल का यूज जीरो, उसने ऐसा कर दिया। और 2013 में वो आईआईटी कानपुर से पढ़ा, उसका स्कोर क्या था, 10 out of 10। बाहर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ रहा है, उसका एमएस में स्कोर क्या है, 4 out of 4। ब्रॉन्ज मेडल मिला था उसको ओलंपियाड। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, भरोसा। जब हमने आपको बोल दिया कि कैसे पढ़ना है, उस बात को वैसे ही फॉलो करते चले जाना। हमने बोला कि हम कोई भी चैप्टर शुरू करें तो सबसे आसान बुक फिनिश, फिर उससे बेहतर, फिर उससे बेहतर, फिर उससे बेहतर। यानी करीब अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो हम लोग क्या चर्चा करते हैं कि पहले एनसीईआरटी, जिसमें कुछ है ही नहीं, अच्छा कुछ है ही नहीं तो इसी को पहले खत्म कर लो या खुद खत्म कर लो। यानी पढ़ने का सही तरीका क्या है कि अगर मैं आपको फंक्शन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, आपको पहले से पता है, आपको सबसे सिंपल बुक से फंक्शन चैप्टर पढ़ के खत्म करना चाहिए। जो लोग कहते हैं नहीं साहब एनसीईआरटी के, अरे भाई किसने कहा एनसीईआरटी से कुछ भला हो जाएगा, मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी पढ़ के आईआईटी के लिए, बट वो तो सबसे न्यूनतम है, वो तो सबसे कम है, तो व्हाई नॉट फिनिश इट फर्स्ट। आपके बीच में बैठे हुए
10% लोग हैं, सावधान कर रहा हूं मैं 90% को, आपके बीच में बैठे हुए 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स खत्म कर दी, आप ही के बीच में 12th की। अब आप सोचिए आप कॉम्पिटिशन करना चाह रहे हैं बाकी के साथ। अभी किसी वीडियो में पूछा जा रहा था कितना पढ़ना चाहिए, कुछ स्टूडेंट ने जवाब नहीं दिया, कहता तो जितना पढ़ना चाहिए जितना पढ़ सकते हो, मैक्सिमाइज करो, ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, मैक्सिमाइज करो। क्यों? क्योंकि भाई हम जितना हमारे पास कंटेंट है वो अनलिमिटेड जैसा दिखाई देता है, अगर हमने क्वेश्चंस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दिया तो जे एडवांस का पेपर डिफिकल्ट नहीं करेगा। सो कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हमने अगर आपको बोला, हमने कोई चैप्टर शुरू किया तो सबसे सिंपल बुक से खुद खत्म करके बैठ जाओ, फिर उसके बाद उससे जुड़ी हुई बुक अगर कोई और भी स्कूल में होती है, जैसे मैथ्स में बोलते हैं कोई कोई लोग एडिशन में, तो ठीक है उस पे अल्टरनेट क्वेश्चन करके बैठ जाओ क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत सारे। फिर हमने आपको जेई मेन की बुक दी वो सॉल्व कर लो, फिर आपको जेई एडवांस की बुक मिली वो भी सॉल्व कर लो, वो जब सॉल्व हो जाए तो मेरे से आके पूछो कि अब क्या करना चाहिए। हर एक के लिए सेम सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर मैंने किसी विद्यार्थी को कोई बुक बताई है तो जरूरी नहीं कि आपको भी वही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर लेवल वी विल डिसाइड व्हाट इज बेटर फॉर यू। ये डिफरेंस आ गया कि 2013 में जब वो स्टूडेंट जिसकी बात कर रहा था या जो जिस बैच की बात कर रहा था, वहां पहले स्टूडेंट मुझसे पूछने आते थे कि साहब ये करना ठीक रहेगा हमारे बच्चे के लिए, यस, तब वो उसको फॉलो करते थे। अभी पेरेंट्स कैसे आते हैं, हमने अपने बच्चे के लिए कर लिया है धन्यवाद, बताने आते हैं, ये डिफरेंस आ गया। इसीलिए जो सिलेक्शन का परसेंटेज है वो ऑल ओवर इंडिया फॉल कर रहा है। लेक्चर लेता था मैं 2000 में, तुम्हें पता क्या बोलता था, उस समय बहुत कम सीट्स थी, करीब 3500 के आसपास सीट थी जेई एडवांस वाले में, जो अब करीब करीब 15-16 हजार के आसपास हो गए, मतलब 16,000 के आसपास है जेई एडवांस में सीट। तब मैं बोलता था मोटिवेशन लेक्चर में कि पूरे इंडिया में 1,00,000 लोग तैयारी कर रहे हैं, 1,00,000, जिसमें 40,000 सीरियस हैं जेई एडवांस के लिए, जिनको आईआईटी चाहिए उससे कम में नहीं मानेंगे, और सीट सिर्फ कितनी थी 3500। और मैं बोलता था 40,000 approximately are serious कि बस इससे कम में नहीं मानेंगे, यानी आपकी लड़ाई, तब मैं बोलता था 1,00,000 के साथ नहीं है, सिर्फ कितने लोगों के साथ है 40,000। जेई मेन में अभी सेकंड वाला अप्लाई हुआ है, करीब 11 lakhs के आसपास लोगों ने अप्लाई हो गया है, पिछले फर्स्ट वाले में 9 point something बच्चे अपीयर किए थे फर्स्ट राउंड में, अभी मिला के जो नए एप्लीकेशन आए बता रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 11 lakhs लोग अप्लाई करेंगे, 11 lakhs जेई मेन में अप्लाई करेंगे, और उसमें से जेई एडवांस के लिए 2.5 lakhs क्लियर कराना है कि वो 2.5 lakhs एग्जाम दे, लेकिन उस 2.5 में से 1.5 lakhs एग्जाम देंगे, और यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि मेरा वो लेक्चर 2000 वाला आज भी वैलिड है। 11,00,000 लोगों में सिर्फ 40,000 सीरियस है जिनको आईआईटी चाहिए और उससे कम में नहीं मानते। कौन कह रहा है कंपटीशन बढ़ रहा है? ओनली 40,000 सीरियस है। कैसे पता? मैं प्रूफ पे बात कर रहा हूं, मैं कुछ भी ऐसे नहीं कि मेरी थ्योरी है, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं हर चीज पे प्रोसेस ढूंढ के उसके थिंकिंग प्रोसेस के साथ आपको उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ओनली 40,000 स्टूडेंट्स आ देयर, क्यों? क्योंकि आपको जान के सरप्राइज होगा कि जो कट ऑफ जेई में था 25% जो बच्चा लाया उसको भी आईटी मिल गया, यानी आप सब्जेक्ट का कट ऑफ सुन के 4% कट ऑफ इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी 1,50,000 के आसपास स्टूडेंट बैठ रहे हैं जबकि 2.5 lakhs स्टूडेंट बैठा लिए थे, और उसमें भी जो बैठ रहे हैं उसमें भी जो टॉप 40,000 है वो जो 40,000 तक रैंक दी जा रही है वो सिर्फ 17% और 18% पर रैंक दी जा रही है। सो आप अंदाजा लगाइए कि ये एग्जाम आसान हुआ या डिफिकल्ट। कोई परिवर्तन नहीं है, वो कहते हैं ना घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग में बोला कि प्रभु को आप बस कुछ पल याद कर लीजिए, प्रभु के दर्शन हो जाएंगे।
प्रभु के दर्शन कराते हैं आपको। एक फेमस डॉक्टर, डॉक्टर मार्क करके उनका नाम, थोड़ी माइथोलॉजिकल आज कहानियां होंगी क्योंकि ये हम लोगों को बड़ा पढ़ाई में बहुत मोटिवेट कर देते हैं। किसी ने ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए वो सोचा कि उन्होंने बहुत सारे पेशेंट को बनाया, कुछ रिसर्च भी कर ली, तो उनको एक दूसरे सिटी में ग्लोबल रिसर्च का अवार्ड देने के लिए बुलाया गया कि आपने ग्लोबल काम किया है तो एक बड़ा सा प्राइज आपके लिए। उसके लिए बहुत बड़ा व्यवस्था की गई, उनके बारे में काफी चर्चा की गई। तो उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और उस सिटी में जाने के लिए फ्लाइट ली और चल दिया। रास्ते में मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हुआ तो पता चला बड़ा टेंशन में कि आज मुझे ग्लोबल अवार्ड मिलने वाला है और ये क्या आज ही मौसम को खराब होना। डॉक्टर साहब को बड़ा गुस्सा आया, बीच में उनको उतरना पड़ा, यानी जो नियरेस्ट एयरपोर्ट था जहां उनको जाना था उसके पास कहीं वो उतरे। अब जब वो एयरपोर्ट पोर्ट पे उतरे तो उनसे पूछा गया, उन्होंने पूछा कि भाई अगली फ्लाइट कब है, कोई अगली फ्लाइट बताओ जिससे मैं उस टाइम तक पहुंचूं। बोला जी अगली फ्लाइट तो पता 10 घंटे बाद होगी और मौसम का भी कुछ पता नहीं। तो डॉक्टर साहब बड़ा टेंशन में आ गए, बोले जी आज तो मुझे प्राइज मिलने वाला था, दुनिया जानती कि कौन है डॉक्टर मार्क और ज्यादा मेरा नाम हो जाता। तो वहीं पे एयरपोर्ट पे किसी ने बताया कि आप टैक्सी ले लो और आप 3-4 घंटे में आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने एयरपोर्ट से बाहर निकले और टैक्सी लेके कार ले ली, कार हायर कर लेते हैं जो मतलब रेंट पे आपको कार मिल गई और आप उसको कार रेंट पे ली और साहब चलना शुरू कर दिया अपनी गंतव्य की ओर, अपने मंजिल की तरफ। मौसम बहुत खराब था, थोड़ी दूर डॉक्टर साहब चले कुछ 50 किलोमीटर के आसपास, इतना ज्यादा खराब था कि बहुत ज्यादा स्टॉर्म जैसा हालात की गाड़ी को चलाई नहीं जा सकता और अब रास्ते पे उन्हें कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा था। बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो चुके थे, बहुत ज्यादा थक गए थे। उन्होंने देखा सामने कोई छोटा सा हट टाइप बना हुआ है और वहां जाके उन्होंने गाड़ी रोकी और उस हट में गए और उनसे बोला, नॉक किया इनफेक्ट कि भाई हमें थोड़ी देर रुकने देंगे क्या, मौसम बहुत खराब है और थोड़ा जब मौसम ठीक होगा हम चले जाएंगे। तो एक लेडी आई, उसने दरवाजा खोला, आइए बैठिए, उसके उनके लिए बढ़िया सी चाय बनाई, कुछ रखा और फिर जाके वो लेडी प्रेयर कर रही थी, फिर अपने मेडिटेशन में जुड़ गई। डॉक्टर साहब ने दिखा दी लगातार मेडिटेशन करने जा रही, फिर मेडिटेशन थोड़ा सा रुका, फिर डॉक्टर के पास बीच में पूछा, सर कुछ और तो नहीं चाहिए? बोला नहीं जी सब ठीक है, एक बात बताइए आप इतनी देर से हम आपके पास बैठे हुए हैं, आप लगातार मेडिटेशन कर रहे हैं, ये क्या है? और ये जो आपका लड़का ये भी कुछ लेटा हुआ है, इतनी देर से उठ भी नहीं रहा। बोला जी ये इसको कैंसर हुआ है और ये बीमार है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसका इलाज करा सके। किसी ने बताया कि कोई डॉक्टर मार्क है, फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट, तो हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं किसी तरह डॉक्टर मार्क से मिलवा दो, डॉक्टर मार्क से मिलवा दो, डॉक्टर मार्क से मिलवा दो। डॉक्टर मार्क रोने लगे उसी समय, बोले ओहो क्या प्लानिंग बनाई है प्रभु, पहले प्लेन में उड़वाया, कहते प्राइज दिलाएंगे लालच, और फिर उसके बाद प्लेन को रुकवाया बाबा और फिर अब इन्हीं के घर पे भेज दिया। तो उन्होंने फिर उस ओल्ड लेडी को बताया मैं ही डॉक्टर मार्क हूं और फिर डॉक्टर मार्क ने उनका इलाज किया और वो ठीक हो गया। अच्छा इसमें पढ़ाई की बात कहां से आई, ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्रभु की तरफ चले, ऐसा भी लग रहा है हाँ प्रभु की तरफ चले। एक गीता में आपने श्लोक सुना होगा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मात्रं फल हेतुर्भूर माते संगोस्ते कर्म। घोर कलयुग है ये, जेई के रेस्पेक्ट जो टॉप 100 रैंक आ रही है 1 to 100 उसमें घोर कलयुग नहीं है,
वो फिक्स है, वो पहले भी पढ़ते थे, आगे भी पढ़ेंगे, आने वाले आगे अगले जमाने में भी पढ़ेंगे। गौर कलयुग किसके लिए? मिडिल क्लास, वो बताया अंबानी और मिडिल क्लास। गौर कलयुग किसके लिए? मिडिल क्लास, जो अमीर को देख के टिप पढ़ा लेता है अपनी, और जो गरीब की सहायता भी करना चाह रहा है। मिडिल क्लास बड़ा मुश्किल है। सो मैक्सिमम स्टूडेंट किस कैटेगरी में आ रहे हैं? मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास के लिए घोर कलयुग है सर। वो उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? वो लगातार क्या बोल रही है प्रभु से? प्रभु डॉक्टर मार्क से मिला दो, प्रभु डॉक्टर मार्क से मिला दो। यानी कर्म कर रही है और कर्म में इतना डूब गए कि कर्म भूल गए कि हम कोई कर्म कर रहे हैं, और ये भी भूल गए कि हमें अंत में कोई फल की प्राप्ति भी है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। यानी जब मैं लेक्चर दे रहा हूं तो मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप मोटिवेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं आनंदित हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं, मैं इसमें डूब रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, मैं आनंद महसूस कर रहा हूं, तो मैं मानता हूं कि अपने आप चारों तरफ चीजें भी वैसी ही होने लगी। बोला भी था लास्ट बार, थिंक ऑफ इट, इफ यू कैन थिंक ऑफ इट यू कैन गेट इट। एक बार शिद्दत से सोच के तो देखो कि मुझे आईआईटी चाहिए। अब सोचने का मतलब ये नहीं आंख बंद करके बैठे आईआईटी 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 आईआईटी, नहीं, इस कहानी का मतलब समझो। मेरे पास कोई भी चीज, कोई भी टाइम, खाना, सोना, जागना, खेलना, सब कुछ हमारे एम के साथ जुड़ा हुआ है। और जब सब कुछ हमारे एम के साथ जुड़ा होगा तो उसे अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी हम खाते समय भी ये सोच रहे हैं, कुछ महान लोग हैं जो 25 मिनट तक खाते हैं, खाना धीरे खाना चाहिए। अब इट डजंट मीन 25 मिनट खाना चाहिए, है महान इसी में रूम में बैठे हुए, कुछ नहाते 25 मिनट है। अरे कंट्रोल, अरे ठीक है भाई, लेकिन कंट्रोल। कुछ सोते 8 घंटे हैं, पता नहीं कितनी नींद आ रही है। अरे इसे उम्र में तो नींद उड़ जाती है। यानी क्या इस कहानी में बताया गया है? ईट आईआईटी, ईट आईआईटी, मतलब पर्चे पे आईआईटी लिख के मत खा लियो। स्लीप आईआईटी, यानी अपनी नींद को कंट्रोल में रखना है। 6 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है। प्ले आईआईटी, अब ये नहीं कि सर ने बोला था खेलना है, गए 1.5 घंटे फुटबॉल खेल के चले आए, अब मम्मी पैर में दर्द हो रहा है, हाँ बेटा सो ले थोड़ा देर। ड्रीम आईआईटी, यस हमारे सपने भी हमारे गोल के अकॉर्डिंगली। प्ले आईआईटी, ड्रीम आईआईटी, ड्रिंक आईआईटी, स्लीप आईआईटी, डू ऑल द थिंग्स फॉर आईआईटी। जब ऐसी सोच बनेगी तो ये कहानी आपको सार्थक नजर आने लगेगी आपके जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना हमारे साथ, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, पूरा लेक्चर इसी बात पे, पिछली बार भी था कि बार बार मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, आप अपने मोबाइल को तोड़ के फेंक दो। मैंने सबसे अच्छा आइडिया दिया था, जब तोड़ोगे तो नया वाला महंगा आएगा ना, तो घर वाले आसानी से दिलाएंगे नहीं, तोड़ के फेंक दो। घर पे जाओ उसको लेके एकदम वो कुछ बड़ा सा पत्थर लेके उसको टुकड़े टुकड़े कर दो, अच्छा वाला हो तो थोड़ा और ढंग से तोड़ना, थोड़ा दिल में लगेगा, मम्मी पापा के सामने थोड़ा हमको और दिल में लगेगा, हमारा पैसा बर्बाद कर। आप समझिए किसी भी तरह इसको किस में रखना है? कंट्रोल में। इसको प्रतिदिन हर पल हर क्षण ये याद दिलाने का प्रयास करना है कि हमारा गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमारी सारी चीजें उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। तो ये कहानी ये कहती है कि डू ऑल द थिंग्स फॉर योर गोल। अगर सारी सोच हमारी हमारे गोल के प्रति हो जाएगी तो मैं सच कह रहा हूं कि आपको गोल मिले या नहीं मिले, आप जीवन के सबसे सफल इंसान होंगे। ये तो मैंने बता ही दिया कि अगर मैं खुश हूं
मैं आनंदित हूं, मैं मोटिवेटेड हूं, मैं जब ये लेक्चर ले रहा हूं तो सारी मोटिवेटेड होगी, ये मुझे पता है। यही है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास तभी आएगा जब आपने पूर्णतः मेहनत के साथ जम के जुट के परिश्रम किया है, कहीं कोई चीज छोड़ी नहीं है तो आपको सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे भाई आपके पास सब है, पिछली बार भी कहानियां सुनाई थी, किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, वो बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर रहे हैं। You are having everything, all body parts are intact. You are having, say, good food. You are having a good education. एक बच्चा 8 साल का, वो अपने भाई, उसका भाई 10 साल का, दोनों को एक डब्बे में कैरोसिन भर के दिया। ठंड के दिन थे और टेम्परेचर -7 डिग्री तक चला जाता था उस एरिया में, अलास्का का नाम सुना होगा आपने, इससे भी नीचे चला जाता है। ठंड के दिन होते थे तो उस समय हीटर वगैरह वहाँ अवेलेबल नहीं थे, तो क्या लकड़ियाँ जलाई जाती थी। तो जब स्कूल का क्लास शुरू होने वाला होता था तो कुछ बच्चों की ड्यूटी लगा दी जाती थी कि वो क्लास शुरू होने के आधे घंटे पहले जाएंगे, वहाँ वो लाइट लकड़ियाँ जलाएंगे और उससे थोड़ा सा वहाँ गर्मी हो जाएगी, तो जब क्लास शुरू होने वाला हो, जब टीचर्स वगैरह सब आने वाले हो, बच्चे आने वाले, तो रूम कंफर्टेबल हो जाएगा। 8 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा, उनकी ड्यूटी उस दिन कि भाई जाना है, लकड़ियों पे केरोसिन डालना है और माचिस लगा के उसको रूम को हीट अप करना है। एक 8 साल का बच्चा और उसका भाई 10 साल का और उसकी एल्डर सिस्टर, तीनों चल दिए स्कूल। और स्कूल में पहुंच के एल्डर सिस्टर कुछ और दूसरे रूम में काम करने के लिए, बच्चों की ड्यूटी होती थी। अभी आज मैं देख रहा था किसी न्यूज चैनल पे, इस स्कूल में इस प्रिंसिपल ने इस बच्चे से झाड़ू लगवाई, केस ठोक दिया। मेरा स्कूल होगा तो मैं तो टॉयलेट भी साफ कराऊंगा, आई विल ट्रेन ईच एंड एवरी स्टूडेंट। कितनी खराब बात होती है जब मैं अपने यहाँ बच्चों को टॉयलेट यूज करते हुए देखता हूँ, जब भी टॉयलेट में जाइए तो गंदा हो जाता है, जबकि हम सबकी जिम्मेदारी है जिसने टॉयलेट यूज किया वो साफ छोड़ के जाए। बट ऐसा हमें सिखाया नहीं जाता, लेकिन और हम अपनी को तुलना करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज से कि हम उनके जैसे बन जाए, हमारे बच्चे तो पहले उनके जैसे बनेंगे तब ना। 90% बच्चे ही नहीं जानते हैं जो अच्छे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं हाउ टू यूज टॉयलेट। क्या हाउ टू यूज टॉयलेट का फर्क पढ़ाई पे पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है जी, फीलिंग मैनेजमेंट बहुत फर्क पड़ता है। वो 8 साल का बच्चा और उसका भाई दोनों और सिस्टर के साथ स्कूल पहुंचे और उनको वो रूम हीट अप करना था। सिस्टर दूसरे रूम में कुछ काम कर रही थी, उसको साफ सफाई की दूसरे रूम की सौंपी गई, ये ड्यूटी होती थी स्टूडेंट्स की डे बेसिस पे। तो ये 8 और 10 साल के दोनों बच्चे, दोनों ने लकड़ियां रखी और उस पर केरोसिन डाला और जैसी माचिस लगाई बड़ा जोर से आवाज हुई। क्यों? किसी ने केरोसिन की जगह गैसोलीन रख दिया था उस डब्बे में, तो केरोसिन नहीं गैसोलीन था, तो जैसे ही पूरा डाला एकदम से आग लगी। वो दोनों बच्चे पास खड़े थे, जो उसका भाई था 10 साल का वो तो वहीं डेथ हो गई उसकी, और ये जो 8 साल का था इसके दोनों पैर पूरी तरीके से जल गए, लगभग जाने की स्थिति में था। उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने धीरे से उसकी मदद को बोला, बच भी सकता है नहीं भी बच सकता है, और अगर बच गया तो चलेगा तो नहीं ये बात है, क्योंकि टो गायब हो गए थे दोनों पैर के, घुटनों के ऊपर से नीचे तक का सारा मांस गायब हो गया था, बहुत बुरी हालत थी। 5-6 महीने बाद जब वहां हॉस्पिटल से ठीक होके निकला तो एक पैर छोटा भी हो गया दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब कुछ उसको ज्वाइंट वाइन करने में हड्डी वगैरह, एक पैर छोटा हो गया। 8 साल का बच्चा जब डॉक्टर हॉस्पिटल में था तो डॉक्टर ने एक बार मदर से पूछा भी, क्या इसके पैर काटने तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो मदर ने कहा अगर नहीं काटे तो कितना रिस्क है? बोला 5% रिस्क है, अभी 5% है तो मत काटो। उसकी मदर ने ऐसे बोला मत काटो। वो 8
बच्चा जब 6 महीने हॉस्पिटल से निकला, घर पहुंचा तो अपनी मदर से बोला, मुझे लेटना नहीं है, वॉक करना है। डॉक्टर कह चुके थे वॉक नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होगी इसके लिए और बहुत सारा टाइम लगेगा। वो अपनी जिद पे था, धीरे 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 अपने बिना मदर को बताए चुप के धीरे धीरे बेड से उठना, घिसटना, टॉयलेट की तरफ जाना, फिर वापस आना, किसी दिन दीवार पकड़ के धीरे धीरे चलना, टॉयलेट की तरफ जाना। एक दिन मदर उसके रूम में पूछी और देखा, अरे ये तो दीवार पकड़ के चले, उसको डांटा, उसने नहीं मदर ये तो बहुत दिनों से कर रहे। आत्मशक्ति देखिए, आपका आत्मबल देखिए, ये सब आपके कमांड में है, आपको कुछ करना है। वो धीरे 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 बॉल पकड़ के टॉयलेट जा रहा था, उसकी मदर ने देख लिया तो मदर ने उसको डांटा, बेटा मना किया, बोला नहीं मदर मैं तो आई एम डूइंग इट, बोला सच में, हाँ जी तो फिर ठीक है बाहर घूमते। मदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्या, नहीं इसका मतलब फादर नहीं, ऐसा नहीं इसका है। सो मदर ने कहा ठीक है बाहर घूमते। बाहर धीरे 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 उसने वॉक करना शुरू किया। वॉक करने में पैर में दर्द हो रहा था, वॉक करने में क्या हो रहा था, पैर में बहुत दर्द हो रहा था। तो उसने क्या करा, एक दिन दौड़ के देखा कि शायद दौड़ के देखने में मजा है, जब थोड़ा सा दौड़ के देखा तो दर्द नहीं हो रहा है। उसने एक काम करते हैं, अब से वॉक नहीं करेंगे, अब से दौड़ेंगे। मतलब वो इंसान वॉक करने की बजाय उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अब वो स्कूल कैसे जाता, थोड़ी देर दौड़ा फिर वॉक, दौड़ा वॉक, दौड़ा वॉक। यानी जब वो उसने महसूस किया, उसको अपना फीलिंग, उसने अपनी फीलिंग खुद बताई कि जब मैं वॉक कर रहा हूं तो पैर में दर्द है और जब मैं दौड़ रहा हूं तो बड़ा मजा आ रहा है, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अब तो वो फेमस हो गया अपने टाउन में। अजीब बच्चा है, दौड़ते हुए स्कूल जाता है, दौड़ते हुए आता है, हर काम के लिए उसको घर से भेजा जाए तो दौड़ते हुए जाएगा, दौड़ते हुए आएगा। धीरे धीरे दौड़ 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 ऐसी तब्दील हो गई कि माइलर उसको बोलने लगे, यानी जो एक मील के लिए रेस होती है ना, उसमें माइलर उसका नाम पड़ गया स्कूल में। और जब उसने दौड़ना शुरू किया था स्कूल में, जो 1 माइल रेस होती थी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, पता लगा भी नहीं। धीरे 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 उसने अपने स्कूल को पास किया, कॉलेज को पास किया और कॉलेज में भी वो माइलर बन गया। कैन यू बिलीव इट कि 1932 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा था और चौथे नंबर पे आया। 1932 के ओलंपिक में चौथे नंबर पे आया और उसने जो रेस थी उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसके बावजूद भी हार गया क्योंकि उससे अच्छा रिकॉर्ड और लोगों ने बना लिया, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड और बड़ा बन गया, जो पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसको तोड़ा उसने। 32 में फोर्थ नंबर में आने के बाद 36 में उसने फिर से पार्टिसिपेट किया और इस बार सेकेंड नंबर, यानी उसको सिल्वर मेडल मिला। यानी आप अंदाजा लगाइए जिसके पास कुछ नहीं होता वो क्या क्या अचीव कर ले रहा है, जिसके पास सब कुछ है वो सो रहा है। नहीं मैं किसी की तरफ देख के नहीं बोल रहा, मुझे पता है कौन सो रहा है। अभी छुट्टियां हुई है तो लोग 8-8 घंटे सोए, 10-10 घंटे वाले भी, मुझे पता भी और ये आप जानते भी हैं। क्या आप अलग से आके मिलिए तो मैं आपके बारे में सत्य बता दूंगा। जो पेरेंट्स मुझसे मिले हैं वो याद करें कि अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया, स्टूडेंट ने कुछ नहीं बताया, फिर भी मैंने उसके बारे में बताया, उसकी वजह सिर्फ एक है क्योंकि मैं आपसे कनेक्टेड, मैं आपसे जुड़ा हुआ। आप समझिए आपके पास सब कुछ है फिर भी आप डरते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, हर बार हार कर भी जीत जाता हूं मैं, हर बार हार कर भी जीत जाता हूं मैं, क्योंकि हर हार से ना हारने की एक नई युक्ति सीख जाता हूं। मुश्किलें तो बहुत रोकती हैं मुझे, मुश्किलें तो बहुत रोकती हैं मुझे, पर एक कदम आगे निकल जाता हूं मैं, क्योंकि हर मुश्किल को अपने विश्वास की आंधी में उड़ा ले जाता हूं। ऐ जिंदगी सीखने आया तो तुझे सीख कर ही जाऊंगा, और हवाओं में और पूरे विश्व में और लोगों के बीच में अपना विजय झंडा लहराऊंगा।
कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने भूल दिया, कोई कोई पैमाना नहीं, कोई आप उसको बनाई मत कि हमें 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, अनलिमिटेड पढ़ना है, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो। इंप्रोवाइज करना है, अपने दिमाग का भरपूर उपयोग करना जो आप नहीं कर पा रहे। अगर हमने आपसे कहा कि ये चैप्टर है, इसके क्वेश्चन करके आने हैं, अगर मैंने फॉर एग्जांपल फंक्शन चैप्टर आपको पढ़ाया, तो हर कीमत पे आपको करके आना। अगर आपको आज के लेक्चर की कोई बात समझ में नहीं आई है और मैंने आपसे बोला अगले लेक्चर पे आप जब आए तो आप उसको पढ़ के आए, और कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप 25 मिनट 40 मिनट पहले आ सकते हैं। अगर आपका क्लास 250 पे हो रहा है, आप 2 बजे घर पहुंच जा रहे हैं, खाना पीना खा के आप मिनिमम 30 मिनट पहले हमेशा आ सकते हैं। यानी सबसे ज्यादा जरूरी इस पूरे कोचिंग वाले पार्ट का, यानी जो क्लासेस के पार्ट का हिस्सा है, वो डाउट सेशन, डाउट क्लियरिंग, यानी पर्सनली मिलना, टीचर से मिलना, टीचर से बात करना, उससे डिस्कशन करना, अपनी प्रॉब्लम बताना, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ उस कंसेप्ट को पूछना, जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हो गए उसके बाद भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे पूछना, कोई बुक आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहे हैं, माइंड इट, एक्स्ट्रा बुक कब सॉल्व करनी, जब आप इंडिविजुअली आके हमसे पूछें, हमसे बात करें, तब हम लोग जो आपको बुक बताएंगे वो सॉल्व कर। सबसे बड़ा रोल मैंने बता दिया कि इस बार, यानी अगर इस जो मैंने बताया कि 90% तक लोग IIT में जा सकते हैं, सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का हो गया है। पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हमारा बच्चे को कर रहा है या नहीं। यानी आप आइए मीटिंग करिए, जैसा हमने लास्ट टाइम भी बोला था, पीटीएम कोई टाइम नहीं देते, पीटीएम के लिए हम किसी को नहीं बुलाना चाह रहे, आप हर वीक मिलिए। कुछ लोग तो इतने ज्यादा मिलने लगे कि मुझे लगा बस कर, ये 2013 में होता था, एवरी पेरेंट, हर एक पेरेंट ऐसे होता, इतना मिलता था कि मैं कहता था बस करो भाई, अब मुझे पढ़ा लेने दो, अब हर वीक चले आ रहे, हर 15 दिन पे चले आ, हर वीक चले आते, और कई बार तो रास्ते में पकड़ लेते थे मुझे, अभी कोई पेरेंट मुझे रास्ते में नहीं पकड़ता। There's a big difference. पहले रास्ते में, अरे सर बताओ मेरा बच्चा कहाँ है, मैंने कहा सर ऑफिस में आइए, वहां बैठ के बात करेंगे आपस में, अभी सब बिजी, कैसे बिजी जरा दिखाते। एक मैनेजर बैठा हुआ था अपनी ऑफिस में, एक हाथ में फोन लगाया हुआ है, जो लैंडलाइन वाला फोन होता है ऐसे कान में लगाया हुआ था, और अपने कंप्यूटर कुछ कर रहा, दो लोग सामने बैठे हुए थे, वो दिखा रहे हैं बिजी, दो लोग बेचारे सर एक मिनट सुनिए ना, अरे रुकिए ना, फोन पे लगा हुआ है और अपने कंप्यूटर पे कुछ कुछ कर रहा है। थोड़ी देर बाद पूछता, हाँ भाई बताओ क्या काम है। सर मैं लाइनमैन हूं, आपका फोन ठीक करने आया हूं। सर मैं कंप्यूटर वाला हूं, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक करने आया हूं। यार सो मच बिजी। वो बेटा मैंने आपको बेस्ट कोचिंग में डाल दिया, बेस्ट टीचर दिलवा दिए, बेस्ट स्कूल दिलवा दिया, मैं क्या करूं, नहीं हो रहा है। आजी बात वो मम्मी लगी हुई है मोबाइल पे, व्हाट्सएप चैट पे, बच्चा आगे कुछ पूछा, हाँ बेटा कर लो, बच्चे ने कहा मम्मी हम थोड़ा मूवी देखें, हाँ बेटा है, क्या, क्या 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 बोली, बाद में याद आ रहा है, मूवी बोले, हम सोचे पढ़ने की बात कर रहा है भाई। बिल्कुल, हम सब इतने ज्यादा बिजी हैं कि यही ध्यान नहीं दे रहे कि कैसे चल रहा है जीवन, जबकि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। दिखाते हैं पिता का कंट्रीब्यूशन किसी स्टार के केस में। माइकल जॉर्डन का नाम सुना है? अरे सुना है नहीं? हाँ ये सबने सुना होगा, जब भी बात अमेरिका ऐसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, अमेरिका पंजाबी स्टाइल में, यानी अमेरिका की जब भी बात होती तो हम लोग वो कहानियां भी सुनी हुई होती है ज्यादातर। तो माइकल जॉर्डन छोटे थे तो उनके पिताजी ने बुलाया, इधर आओ, बोला हम आपके टैलेंट को चेक करें। पहले ऐसे ही होता था, ओ दूर वाले मामा जी हमारे घर में आ गए, बोले किस क्लास में, बोले जी 8 में, बैठो इधर, बताओ भारत का प्रधानमंत्री जी, यहाँ तो बता दिया, खुश भी हम भी खुश, बोले अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया,
बताओ जहाज रानी मंत्री है? जहाज रानी मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, क्या पूछ रहे हैं? लेकिन हम लोग तैयार रहते थे। हाँ जी नितिन गडकरी जी, रेडी एट दैट टाइम, यानी हम लोग की तैयारी पुख्ता होती थी। और दूर वाले मामा जी पड़ोसी जिसको देखो परेशान करता था, घर पे आया पर हम लोग ऐसा फील होता था परेशान करता था, पर आज लगता है कितने अच्छे लोग थे। कितना अच्छा था कि वो आके हमारी जीके चेक करते भी थे, बताते भी थे, कुछ सिखा के चले जाते थे। तो हमें पढ़ाई मजा, अरे हम जैसा सिंपल स्टूडेंट अगर आप उससे पूछे तो मैं स्टूडेंट कैसा था, एकदम सच बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में 35 बच्चे थे, मेरी रैंक 22 थी, 22, कोई ऐसा नहीं, कुछ खास नहीं था। तो जब मैं यहाँ देखता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आयुष्मान जी बोल रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में था कि आज अच्छा बोल पाऊंगा कि नहीं, अरे इतना अच्छा बोल, अरे यंगस्टर्स आज के कितने ज्यादा, ये यंग है ना इसलिए मैंने उनकी बात की। जब वो बोल रहे थे मुझे लगा अरे ये तो कुछ ज्यादा अच्छा स्टाइल में बोल रहे, बहुत अच्छी बातें उन्होंने रखी। सच में मैंने सोचा कि मैं इंप्रेस कर पाऊंगा, मैं बड़ा खुश होता हूं आपको देखिए। जैसे यही कोई भी ये भाई साहब, मैं हर एक को देख के इंप्रेस हो जाता हूं, बड़ा मेरी ये मतलब ये लगता है क्या क्वालिटी है इसके पास। हाँ कभी कभी इसको डांट जरूर देता, कुछ भी यूज कर रही है क्वालिटी तो है। हम लोग के पास क्वालिटी नहीं थी तब हम लोग कुछ मंदिर, हाँ सर उस समय कंपटीशन कहा था, सर उस समय कंपटीशन ही नहीं था भैया, ये तो बेईमानी हो जाएगी, आप हमारी बुराई कर रहे हैं, ऐसा कैसे कंपटीशन नहीं था। अभी मैंने दिखाया कि पहले भी 40,000 सीरियस थे और अभी भी 40,000 ही सीरियस है, इतने लाखों बढ़ जाने के बाद भी अगर आप मुझसे पूछें तो इंजीनियरिंग करना बेहद आसान है किसी टॉप 200 कॉलेज से। इंजीनियरिंग के बाद नौकरी पाना बेहद आसान है इन टॉप 200 कॉलेज से करने के बाद। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि 13.5 लाख लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं एक साल में। ये गवर्नमेंट का टेबल है, इसके अलावा भी हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के पास खुद भी नहीं होंगे, यानी 13.5 लाख पीपल आर डूइंग इंजीनियरिंग। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो उसमें से 10 लाख को जॉब नहीं मिलना चाहिए इस तरीके की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 10 लाख एलिजिबिलिटी नहीं नौकरी के। इसीलिए आप देखते होंगे कोई इंजीनियर पकौड़े तल रहा है, इसका मतलब ये नहीं इंजीनियरिंग खराब हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि इंजीनियर के बिना काम चल रहा है, नहीं चलेगा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बस कर रहे हैं, हम किसी के पढ़ रहे हैं, नंबर चाहिए, रैंक चाहिए, मार्क्स चाहिए, नाम, अरे भाई गो इन डेप्थ, नॉलेज गेन करो। माइकल जॉर्डन की बात कर रहे थे, देखो कितना कंट्रीब्यूशन होता है किसी के भी पेरेंट्स का उसके लाइफ में, सबका कंट्रीब्यूशन होता है, भाई का, बहन का। जो आप देखते ना जैसे ये टॉपर हो गया, जैसे आप देखते ना कई बार स्टोरी सुनते हैं तो आपको लगता है बड़ा इंटेलिजेंट होगा, अरे भाई इंटेलिजेंट होगा, हो सकता है उसको चीजें टीचर पढ़ाता हो एक बार में समझ में आ जाए, हो सकता है वो घर जाए तब समझ में आ जाए, हो सकता है वो अगले दिन पढ़े तब समझ में आ जाए। और मेरे हिसाब से तीनों लोग टॉप कर सकते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं आप सोचिए, आप वो सोच ही नहीं पाते, आप क्या करने लगते हैं टॉपर को फॉलो कर, नहीं कर सकते भाई उसको फॉलो, उसके तरीके वो कोई चीज पास समझ जाता है आप देख नहीं समझते, आप क्यों उसको फॉलो कर, जो टीचर ने आपके लिए बताया उसको फॉलो करना। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी मैं बता रहा हूं किसी को भी अच्छा करने के लिए किसकी जरूरत है, प्रॉपर एनवायरनमेंट। और प्रॉपर एनवायरनमेंट कहां पे आपको सबसे ज्यादा अच्छा मिलना चाहिए, घर में। घर में कौन कौन आपके सहयोगी हैं, मदर फादर सिस्टर ब्रदर जो भी हैं, सब वो आपके जीवन में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसीलिए जब मदर फादर को भी हम बुलाते थे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसकी सक्सेस में, पर हम इसको इस बच्चे को इस दुनिया में लाए हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उसमें पूरी तरीके से अपने पार्ट को रोल को प्ले करें। वी कैन नॉट से लाइक दिस कि बेस्ट कोचिंग में करा दिया, बेस्ट स्कूल में करा दिया, ऐसे हम नहीं कर सकते। माइकल जॉर्डन को कैसे उनके पेरेंट्स ने
देखा कि कैसे क्या टैलेंट है हमारे बच्चे के पास, इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन। यही आपको करना है। सबके पास माइंड है, बस इस माइंड को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। अच्छा, कब कर पाएंगे? फिर से याद दिला दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही हो, दिन भर में खाली टाइम होना चाहिए, खाली बैठे चिंतन कर रहे हैं, कुछ नहीं तो बढ़िया स्टोरी सोच रहे हैं अपने को, मान लिया आई एम फलाना। अरे को छोटा मोटा नहीं मानना है तो बड़ा मान लो, मुकेश अंबानी मान लो, अपने को मान लिया और बैठ के डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो फार फार बेटर है। किस बात से? जो आप मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनके फादर ने बुलाया, बोले आज आपका टैलेंट चेक करते हैं। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल प्लेयर है, याद रखा जाए, एम आई राइट और नॉट? बास्केटबॉल अच्छी खेलते हैं। मैं कई बार क्लास में बोला हूं, आप फुटबॉल अच्छी खेलते क्या? तो मैं मैथ्स अच्छी पढ़ा सकता हूं। क्या फुटबॉल में दिमाग नहीं लगता है? बिना दिमाग के खेलते क्या? बास्केटबॉल बिना दिमाग के खेलते क्या? अगर आप कोई भी एक काम में फोकस बना सकते हैं तो मैं आपको मैथ्स अच्छी पढ़ा सकता हूं, क्योंकि फिर मेरा काम बचा कि कैसे आपको उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे वहां पे आपको मजे दिलाना है, फिर बाकी तो आप चमत्कार करेंगे ना। और मैंने पहले भी बोला, चमत्कार कौन करता है? आप। तो उनके फादर ने बुलाया, बोला ये टी शर्ट है कितने की होगी? बोला $1। बोला इसको $2 में बेच के आओ तो मैं मानूंगा आपके पास टैलेंट है। चैलेंज स्वीकार किया और उस टी शर्ट को बढ़िया से धोया, साफ किया, प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद उसको रेडी करके मार्केट में ले गया। 6 घंटे तक उसने ट्राई किया और 6 घंटे बाद वो टी शर्ट किसी ने $2 में खरीद ली, क्योंकि साफ सुथरी प्रेस करी हुई थी। घर आके अपने फादर को $2 दिए, बोला जी फादर ने कहा वेरी गुड। फादर ने कुछ दिनों बाद फिर बुलाया, बोला ये टी शर्ट कितने की होगी बताओ? पापा $1। बोला जाओ इसको $20 में बेच के दिखाओ तो जाने। बोला 20? बोला हो जाएगा? बोला हाँ हो जाएगा, आप चिंता मत। ऐसे सोचना है। सर ने कोई काम दिया, हाँ सर हो जाएगा, कितना भी टाइम लगे हम मेहनत करेंगे, हम डिवोटेड होंगे, हम पूरा टाइम उसमें लगाएंगे, हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे। आपके पास बेस्ट माइंड है। डोंट कंपेयर योर माइंड विद एनीबॉडी एल्स, यू आर हैविंग द बेस्ट माइंड। उसने उस टी शर्ट को क्या किया, अपनी कजिन के पास गया। उस समय मिकी माउस बड़ा फेमस था, नाम सुना ही होगा, कार्टून। उस टी शर्ट में मिकी माउस बनवाया, मिकी माउस बनवाया और बढ़िया सा पेंटिंग कराई। यानी अब वो शर्ट $1 की तो नहीं रही भाई। मिकी माउस इतना फेमस था कि वो मार्केट में गया और मार्केट में एक स्कूल के पास खड़ा हो गया जहां छोटे बच्चे पढ़ते थे। जब उनके पेरेंट्स उन बच्चों को लेने आए, उसने टी शर्ट दिखाया, मिकी माउस वाला टी शर्ट, मिकी माउस वाला टी शर्ट। तो एक बच्चे को, छोटे बच्चे को पसंद आया, पापा पापा हमें लेना। तो उसके फादर ने बोला कितने की है? उसने बोला $20। सो बोला 20 लो प्लस 5 टिप भी लो, $25 में बेच के घर आ गया। उसके फादर ने कहा ये तो बड़ा बढ़िया बात है। थोड़े दिन बाद फिर पूछा, इम्प्रोवाइजेशन, कोई चमत्कार आपकी जगह नहीं करेगा, चमत्कार आपको करना है। ये बहुत जरूरी है, इंप्रोवाइज करें अपने को। थोड़े दिनों बाद फिर बुलाया, बोला ये टी शर्ट कितने की है? पापा $1 की टी शर्ट हर बार देके पूछते हो कितने की है? $1 की है। बोले इस बार $200 की टी शर्ट। फादर ने बोला हो जाएगा? बोला हाँ हो जाएगा। उसने दिमाग लगाया, यानी सिद्धांत बाबू एक क्वेश्चन के डिफरेंट मेथड सोचने हैं, तब IIT मिलेगा। अरे सिद्धांत का नाम लिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको ही देख रहे हैं। सिद्धांत एकदम आ गए, हमारा आई कॉन्टेक्ट हो गया, इसलिए नाम ले लिया। डिफरेंट मेथड सोचने हैं, जितने ज्यादा मेथड्स आपके पास होंगे, यही क्लास में सिखा रहे हैं, यही आपको समझना है। इस बार बोला $1 की टी शर्ट कितने भेजना है? $200। सोचा क्या करें। एक फेमस पॉप सिंगर का शो चल रहा था, फेमस थी उस समय वहां की अमेरिका।
वहां कंसर्ट में घुस गया, छोटा तो था ही, बच्चा था, तो किसी तरह एंट्री मिल गई, घुस गया। और जैसे ही वो सिंगर गाते गाते थोड़ा सा उसके करीब आई, जोर जोर से मतलब वो चिल्लाने लगा, ऑटोग्राफ के लिए ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। उसने टी शर्ट लिया, पता नहीं सिंगर का भी क्या मन होगा, उसने उसमें ऑटोग्राफ दे दिया गाते गाते। जैसे ही कंसर्ट खत्म हुआ, भीड़ जा रही थी, जोर जोर से चिल्लाने लगा, पॉप सिंगर के ऑटोग्राफ की हुई टी शर्ट, पॉप सिंगर की ऑटोग्राफ की हुई टी शर्ट दिखाने लगा। पॉप सिंगर की उसके ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट, बोला जी $200 की, $200 तो तीसरे ने बोला नहीं हम 300 देंगे, उसे 200 वाला लेने आया तो दूसरे ने बोला नहीं हम 300 देंगे, चौथा बोला नहीं हम 500 देंगे, धीरे धीरे करके किसी ने गोली लगा दी, $2,000 और टी शर्ट उसने $2,000 में सेल की और उसके बाद घर आ गया। इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन चाहिए। हमने कुछ पढ़ाया वो आखिरी सत्य नहीं है, आपने जो इम्प्रोवाइज किया वो है उसके अंदर का सही तरीका। कोई भी आईआईटी क्यों जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक आ रही है, धैर्य बनाना है, थिंकिंग प्रोसेस को डीप में ले जाना है। वो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये फिर से मेरी हर कविता एक मैसेज है आपके लिए, वो कहते हैं हिमालय सा ऊंचा उठ जाओ तो, वो कहते हैं हिमालय सा ऊंचा उठ जाओ तुम, वो कहते हैं सागर सी गहराई लाओ तुम, वो कहते हैं गंगा सी अविरल धारा बन जाओ तो। मैं बोला ये होगा कैसे ये भी तो बताओ तुम, मैं बोला ये होगा कैसे ये भी तो बताओ तुम। वो बोलिए अपने अंदर हिमालय सा धैर्य लाओ तो, पेशेंस चाहिए। क्वेश्चन सॉल्विंग रहा होगा कैसे नहीं, हम करेंगे, सर से मिलेंगे, बार बार बात करेंगे, दोस्तों से डिस्कशन करेंगे, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे जो फटाक से देख लेते। वो कहते हैं अपने अंदर हिमालय सा धैर्य लाओ तुम, वो कहते हैं अपनी सोच में सागर सी गहराई लाओ तुम, वो कहते हैं अपने अंदर विश्वास की गंगा बहाओ तुम, फिर देखना चारों ओर प्रकाश ज्ञान का फैलाओगे तुम, और फिर खुद को सफल बना, ना जाने कितनों को सफल बनाओगे। धैर्य चाहिए, पेशेंस बनाना पड़ेगा आपको, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। वी आर अवेलेबल, टॉक टू अस एज मच एज पॉसिबल। सोच की गहराई बिल्कुल इतना जल्दी नहीं कि बस कोई भी क्वेश्चन सोचा नहीं जवाब दे दिया। कई ऐसे प्राणी हैं जो क्लास में सर 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 आंसर और बिना सोचे आंसर, हमने अभी पूरी चीज बताई भी नहीं, पूरा क्वेश्चन आपने समझा भी नहीं और सॉल्यूशन निकालने बैठ गए, और एक आध क्वेश्चन का सॉल्यूशन हार भी गया तो चिल्लाने लगे आई एम द बेस्ट। अरे रिलैक्स, थोड़ा धैर्य बनाओ, ध्यान से कंसेप्ट को सुनो, ध्यान से चीजों को सुनो, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करो। यानी सबसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, पहले अपनी समस्या को समझना। आप JEE की तैयारी के लिए जा रहे हैं जहां 40,000 सीरियस कंटेंडर हैं जो दिन रात एक किए हुए हैं, आप उनसे फाइट करने जा रहे हैं, तो कम से कम पहले उस लेवल पे तो आना पड़ेगा, तब आप उनसे फाइट कर पाएंगे। सो जो भी 11th में हो गया वो जरूरी था, कोई बात नहीं। अगर आपसे कहीं गलती हुई, अगर आप कम पढ़े, अगर आपको कोई चैप्टर्स क्लियर नहीं हुए, ठीक है, उसके लिए हमारे पास टाइम है। लेकिन अभी एक एक मोमेंट हमें वेस्ट नहीं करना, जम के जुटना है, जम के लगना है, और कैसे पढ़ना है ये बात मैं और आखिर में कहता चलूं। क्या अभी हम 12th का पोर्शन शुरू करेंगे, आप वैसे ही पढ़ेंगे जो मैंने बताया, सबसे सिंपल बुक पहले, फिर उसके सपोर्ट में कोई बुक, फिर अपना JEE Main, फिर JEE Advanced। जैसे ही अभी बीच में समर वेकेशन मिलेगा, ब्रेक आएगा, आएगा कि नहीं,
उसमें आपको क्या करना है, उस समर वेकेशन के ब्रेक में 11th के सिलेबस को जितना रिवाइज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कर लेना, यानी उस समर वेकेशन में उस 11th के सिलेबस को रिवाइज कर लेना। और फिर उसके बाद जब हम समर वेकेशन खत्म होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस सेप्टेम्बर एंड तक खत्म कर, और फिर सेप्टेम्बर एंड के बाद हम 11th दोबारा पढ़ाना शुरू करेंगे। उस 11th के रिविजन में सिर्फ और सिर्फ उसी को एडवांटेज मिलेगा जिसने समर वेकेशन में 11th को पढ़ लिया है। इसीलिए कोशिश ये करनी है कि हम 11th को इसी बीच में जब 12th पढ़ रहे हैं, कुछ कमजोर रह गया है, कुछ चैप्टर रह गए हैं, या आपने पूरा पढ़ा है तो रिवाइज कर लें, ये काम हमें करना है। यानी एक फ्रेश शुरुआत करनी है जब हम कल से क्लासेस बिगिन करेंगे। और फिर से आखिरी में ये संदेश आपको देना चाहूंगा, क्या कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से अपने को बचाना है। पेरेंट्स का हमें फुल सपोर्ट चाहिए। जब भी समस्या आ रही है आप हमसे मिलिए, बातचीत करिए, डिस्कशन करिए, और एक नई शुरुआत की तरह हम एकदम कल से बिल्कुल जुट जाना है, सब कुछ लगा देना है। और इस नई शुरुआत में एक कविता से मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और फिर हम लोग जब मिलेंगे क्लासेस में तो हर दिन ऐसी बातचीत आपको मिलती रहेगी, क्योंकि मेरा मानना है जो कहानियां हैं वो दिमाग पे बेहतर असर डालती हैं। मेरा मानना है कि मैक्सिमम जो सिलेक्शन हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, तो मैं आपको जागृत करता रहूं तो मुझे नए नए सॉल्यूशंस क्लास में देखने को मिलते रहेंगे। आखिरी एक कविता आपके साथ शेयर करेंगे। नई उमंग है, नई तरंग है, नया सवेरा आया है। नया शुरुआत मानिए आप, यानी कल से जब हम क्लासेस को शुरू करें तो आप पहले से तैयारी में रहना। नई उमंग है, नई तरंग है, नया सवेरा आया है, और हम सबके जीवन में असंख्य खुशियां भर लाया है। हम क्यों सोचे कल हुआ था क्या, हम क्यों सोचे कल होगा क्या, यानी ना तो हमने जो भी गलतियां की उस पे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता है, और ना ही ये सोचे कि आईआईटी मिलेगा नहीं, वो सब नहीं, आज में जीना है। ये पूरे लेक्चर में शुरुआत से मैं कहता हूं, नई उमंग है, नई तरंग है, नया सवेरा आया है, हम सबके जीवन में अनंत खुशियां भर लाया है। हम क्यों सोचे कल हुआ था क्या, हम क्यों सोचे कल होगा क्या, हम तो बस आज में आनंदित हो आगे बढ़ते जाएंगे, और इस पल में, यानी जो ये समय है जिसमें अभी हम बैठे हैं, और इस पल में संपूर्ण जीवन जी खुद को सफल बनाएंगे, खुद को सफल बनाएंगे। बस एक ही रूल जो इस पूरी कविता पूरे लेक्चर में मैंने बोला, हर पल को 100% जीने की कोशिश। जहां भी आपको लगे कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं, जहां भी आपको लगे आपका मोटिवेशन लेवल कम हो रहा है, आप तुरंत मिलिए, बातचीत करिए, डिस्कशन करिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।